क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर लोग 10,000 साल पहले बने घरों में रहते हैं, और ये घर साधारण घरों की तरह नहीं है। दरअसल ये घर गुफाएं हैं जिसे 10,000 साल पहले हाथों से पत्थरों को काटकर बनाया गया था। ईरान के करमान प्रांत में सहरे भावक शहर के पास स्थित एक गाँव है जिसका नाम है मेमांड। माना जाता है कि मेमांड ईरानी पठार में एक प्राथमिक मानव निवास स्थान है जो 12,000 साल पहले का है। वैसे तो ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी यानी यहाँ का मूल भाषा है, लेकिन स्थानीय भाषा में प्राचीन ससानिद और पहले भी भाषाओं की कई शब्द शामिल है। 350 हाथों से खोदे गए इस घरों में कई निवासी चट्टानों के बीच रहते हैं, जिनमें से कुछ 3,000 वर्षों से बसे हुए हैं। 2006 की जनगणना में 181 परिवारों में इसकी जनसंख्या 673 थी। लगभग 10,000 साल पुरानी पत्थरों की नक्शासी गांव के चारों ओर पाई जाती है, और लगभग 6,000 साल पुराने मिट्टी की बर्तनों मिलने से इस जगह पर गांव के बसने की लंबे इतिहास की पुष्टि होती है। लेकिन इस संरचनाओं की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांतों का सुझाव दिया गया है। पहले सिद्धांत के अनुसार इस गाँव का निर्माण आर्य जनजाति के एक समूह द्वारा लगभग 800 से 700 वर्ष ईसा पूर्व में किया गया था। यह संभव है कि मेमांड की चट्टान संरचनाएं धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी। मिथ्रा के उपासकों के अनुसार सूर्य अजय है और इसने उन्हें पहाड़ों को पवित्र मानने के लिए निर्देशित किया है। इसीलिए मेमांड के पत्थर काटने वालों और वास्तुकारों ने अपने आवासों के निर्माण में अपना विश्वास स्थापित किया है। मिथ्रावाद जरोस्ट्रियन वाद का एक संप्रदाय है जिसे सच्चाई के रक्षक के रूप में मिथ्रा की पूजा की विशेषता है। 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म की स्वीकृति से पहले रोमन साम्राज्य में प्रचलित यह एकेश्वरवादी रहस्यमय धर्म था। दूसरे सिद्धांत के आधार पर गांव दूसरी या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। आर्सेडिस युग के दौरान दक्षिणी कर्मन की विभिन्न जनजातियाँ अलग अलग दिशाओं में चली गई थी। इन जनजातियों ने रहने के लिए उपयुक्त स्थान पाया और उन क्षेत्रों में अपने आश्रयों का निर्माण करके उस जगह पर बस गए जो समय के साथ मौजूदा घरों में विकसित हुए। गांव के पास मेमांड के किले के रूप में जाना जाने वाला स्थान का अस्तित्व जिसमें सासानिद काल के 150 से अधिक अस्थिभंग या हड्डी के टुकड़े पाए गए जो इस गाँव के प्राचीन इतिहास के इस सिद्धांत को मजबूत करते हैं। 2005 में मेमांड को सांस्कृतिक परिदृश्य की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए लगभग $20,000 की यूनेस्को ग्रीस मेलिना मर्कोरी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 4 जुलाई 2015 को इस गांव को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में जोड़ा गया था।